इंस्टाग्राम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है रिमूव कंटेंट। अकाउंट स्टेटस में कंटेंट को हमारे रिमूव कर दिया है कि किस तरीके से इसे ठीक किया जा सके। देखिए अभी ये जो माइक है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आवाज क्लियर नहीं आ पाती है तो स्किप करना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग जाता है। और बहुत सारे लोग तो आजकल गलत कमेंट्स भी करने लग गए हैं, सर एक ही वीडियो बार बार डाल रहे। भाई देखिए मेरे पास सिर्फ इंस्टाग्राम से रिलेटेड ही मैं वीडियो डालते रहता हूँ, फेसबुक नहीं कर रहा, मैं कोई अदर ऐप ना कोई प्रमोशन भी करता, मेरे पास प्रमोशन करता बिल्कुल नहीं कर रहा, सिर्फ मैं कंटेंट डालता जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। मेरे पास कोई अपडेट आता बोनस से रिलेटेड, मैं अपडेट आपको बताता तो उसमें कुछ कुछ छोटे मतलब जो ऐसे लोग हैं चिल्लर वो लोग कमेंट करते सर बार बार बोनस के ऊपर की वीडियो लेकर आते। मैं मेरा काम है अपडेट देना, आप मेरे वीडियोस मत देखिए अगर मेरे वीडियोस पसंद नहीं आते, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा चैनल तो आपको दिखता है थंबनेल में, तो थंबनेल में अगर मेरा फेस दिखाई दे रहा तो मत देखिए भाई वीडियो। पर जो लोग मेहनत कर रहे हैं जिनको मेरे वीडियोस बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहते हैं तो उनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, चाहे वो 5 या 10 क्यों ना हो। तो इसके कारण भाई मुझे डीमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत पहले से वीडियोस बनाते आ रहा हूँ, 2017 से जब टिकटॉक था उस टाइम से अब तक मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आगे भी मैं बनाते जाऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कुछ गलत कमेंट करोगे तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मैं बताने वाला था, चाहे 2 लोग क्यों ना देखे मेरे वीडियोस पर मैं वीडियोस जरूर बनाऊंगा, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन देना यही मेरा काम है। ओके तो यहाँ पर चलता हूँ मैं इंस्टाग्राम पर, लेकर बहुत ज्यादा बातें हो गई है तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट वेट ए मिनट, इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। हाँ ना, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर दो टाइप के वायलेशन होते हैं रिमूव कंटेंट। आप पूछेंगे दो टाइप के, हमें तो पता नहीं था, तो मैं वही चीज बताता हूँ, बहुत सारी चीज पता नहीं चल पाती आपको। एक तो वो है हम कुछ कंटेंट डालते हैं ये कुछ कमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जैसे अकाउंट है टेक वॉटर का, दो होते हैं, एक इंस्टाग्राम खुद रिमूव कर देता है, इंस्टाग्राम को लगता है ये गलत है, हमारा सेफ कम्युनिटी को वायलेट कर रहा है, इसे हटा दो। ठीक है, इंस्टाग्राम खुद करता हूँ। दूसरा, अगर मैंने किसी का कंटेंट डाला और सामने वाले को पता चला, इंस्टाग्राम को भी लेना देना नहीं है, पर सामने वाले को पता चला कि भाई ये बंदे ने मेरे परमिशन के बिना मेरा कंटेंट डाला, तो भाई इसको दो स्ट्राइक। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो दो टाइप से आपके कंटेंट रिमूव कर दिए जाते हैं, एक तो इंस्टाग्राम खुद करता और एक बार इंस्टाग्राम तब करता है जब सामने वाला कोई उसे बताता है कि इसने मेरा कंटेंट इस्तेमाल किया। तो आज हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा पूरे इनके वीडियो काफी अच्छे थे, जिसके कारण भाई मेरा जो सब्सक्रिप्शन रहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा हमेशा परचेस करिए, पर जो लोग करते हैं उसकी मेरे पास अलग ही लिस्ट दिखती है, तो वो लोग तो भाई देखो पे कर रहे हैं तो मुझे उनका कंटेंट सबसे पहले देखना पड़ता है, उनकी आईडी चेक करना पड़ता है, मेरे पास उनका यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, तो इस तरीके से मुझे उनके वीडियोज भी चेक करना पड़ता है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि भाई इससे जब अर्निंग करेगा ना इंसान बंदा आके फटी फटी रह जाएंगे, मतलब इतनी अर्निंग कर सकता है इसमें। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 9,000, 50,000, ठीक है, 25,000, 14,000 हर वीडियो इनके है, मान के चलिए 20,000 है इस तरीके से ये वॉच का। ठीक है, अब मान के चलिए 14 लाख लोगों ने इनके वीडियोस को देखी, कितने अच्छे बढ़े, तो ये खुद के कंटेंट है ना, किसी और के डालेंगे तो जिसमें स्ट्राइक लग जाएंगे, इतने ज्यादा व्यूज नहीं आ पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको इनसाइड भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि इनसाइड भी दिखाना जरूरी है आपको, 34 सेकंड का वीडियो है, 10 लाख हो चुके हैं, मतलब 1.4 मिलियन 14 लाख हो चुके हैं, रिप्लेस यहाँ पर 3 लाख बार हो चुका है, 3 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, एवरेज वॉच टाइम भी 30 सेकंड का है, और प्रोफाइल एक्टिविटीज में भी लोग ने फॉलो 4,500 लोगों ने किया, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड इनको एक लोगों ने स्टार दिया है। ठीक है, चलो स्टार तो मिल रहा है, कम से कम थोड़ी सी अर्निंग तो हो रही है, यहाँ से अर्निंग कर लेता है इंसान। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, इनके पूरे अकाउंट देख चुका हूँ मैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर चेक करता हूँ, रीच पॉजिटिव जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप सिटीज मुंबई, मुझे जो चीज देखना होता वो मुझे काम की रहती है, 25 से 34, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अकाउंट टोटल फॉलोअर्स देखिए, यहाँ पर अचानक से एक दिन में इनके जो फॉलोअर्स डाउन हुए थे कितने हो गए थे आप देख सकते हो, 14,000 बॉट्स आ जाते, बहुत सारे बॉट्स आते, 14,000 के साथ अनफॉलो हो गए थे, क्योंकि बॉट्स हट जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए कि इसमें अगर अकाउंट सही है ना तो डेली आपके 3-4 हजार फॉलोअर्स आएंगे और फॉलो अनफॉलो दो चलेंगे। बड़े क्रिएटर्स के साथ लोग जलते हैं, फ्री में बॉट्स दे देते हैं, पर बॉट्स भी इंस्टाग्राम हैंडल नहीं करता, उसको हटा देता है। इसलिए तो जब आपको मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको लगता है तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाकर आप जरूर चेक कीजिए आपके इसमें भी क्रिएटर्स है, फ्लैग कितने हो रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे इम्प्रूव कर लेना आप लोग। तीन डॉट पर जा रहा हूँ मैं, अकाउंट स्टेटस, अकाउंट स्टेटस में रिमूव कंटेंट दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, व्यू इफेक्टेड कंटेंट कब इफेक्ट होता है ये कंटेंट, यहाँ पर मैं क्लिक करके देख लेता हूँ, जून 29, 2023, मतलब भाई 1 साल भी हो गया है, रिव्यू में भी डाल चुके हैं पर इन्होंने डायरेक्टली ऑनर से बात नहीं की है, क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए वी रिमूव योर पोस्ट, हमने आपका पोस्ट रिमूव कर दिया, क्यों, इट लुक लाइक यू शेयर समथिंग दैट इन्फ्रिंज समवन एल्स कॉपीराइट। ओके,
इंट्रूनेस मतलब किसी और के कंटेंट आपने डाल दिया बिना उन्हें की परमिशन के, दिस गो आवर अगेंस्ट आवर टर्म्स ऑफ सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके 23 को डाला था बंदे ने, 5 जून को डाला था, इन्हें 29 जून को रिपोर्ट मारा है, पहले चेक कर लिया होगा। तो यहाँ पर सिर्फ उस पर मैं जाकर चेक कर सकता हूँ, शेयरिंग कंटेंट ऑन बाय समवन एल्स, किसी और के कंटेंट डाल रहे बिना उनकी परमिशन के, तो भाई ये गलत है। प्रमोटिंग और शेयरिंग लिंक टू कंटेंट दैट फैक्चुअल कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, ऐसी प्रमोट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ऐसे लिंक को जो भाई आपको कॉपीराइट मार सकता है, तो ऐसी लिंक भी प्रमोट नहीं करना है। यू कैन स्टिल इंफ्लुएंस समवन एल्स कॉपीराइट इवन इफ यू हैव गिवन क्रेडिट टू द ऑनर, डिस्क्लेम यू डोंट इंडिट और इंफ्रिंज कॉपीराइट, मॉडिफाई द वर्क और एड योर ओन मेटेरियल। मॉडिफाई कर सकते हो, मैं आपको हमेशा का 60% मॉडिफाई दीजिए, किसी और के कंटेंट लीजिए, खुद का भी अपना मिलाइए, वैसे तो सिक्वेंसर इस्तेमाल आप कर ही सकते हो ना, वैसे ही सेम है, ठीक है। अगर आप किसी को क्रेडिट दे रहे हो तभी भी वो आपको मार सकते हैं, क्रेडिट देने के बाद सामने वाले हैं, क्रेडिट से क्या करूंगा भाई, पैसा दो, मैं कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रिपीटली ब्रेकिंग और रूल्स कैन कॉज मोर अकाउंट रिस्ट्रिक्शन, यहाँ से क्या हो सकता है, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, सस्पेंड हो जाएगा डायरेक्टली, लिखा है इवन सस्पेंडेड अकाउंट स्टेटस। ओके यहाँ से दिखाई दे रहा है हाउ वी मेड द डिसीजन, पहले जो डिसीजन रहती है आपको भी पता है मशीन के थ्रू रहती है, अगर मशीन के बाद भी अगर आप अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अब देखिए सी और इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें, ईमेल द रिपोर्टर, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप क्लिक करेंगे इंक्लूड द रिपोर्ट नंबर, रिपोर्ट नंबर आपको पता चल जाएगा यहाँ से नीचे में दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट नंबर कॉपी द रिपोर्ट नंबर, यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, इंक्लूड द रिपोर्ट में एक्सप्लेन द रिपोर्टर व्हाई यू थिंक योर कंटेंट डज नॉट यूज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इन अनलॉफुल वे, आपको लगता है कि भाई उसने गलती से मार चुका है और इंस्टाग्राम को समझ नहीं आया और उन्हें डायरेक्टली मुझे कॉपीराइट लगा दिया है, मेरा कंटेंट रिमूव कर दिया है, तो उसे बताइए कि भाई उसके पास तरीका रहता है, ठीक है, वो चाहे तो उसे रिमूव भी कर सकता है, उसके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिसे वो फिलअप कर देगा कि भाई मैंने इस पे किया था और मैं केस वापस ले रहा हूँ, तो उसका अकाउंट ठीक कर दो, तो वो ठीक कर देगा। टेल देम दैट इफ दे एग्री विद यू दे शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द ईमेल वी सेंड देम आफ्टर दे रिपोर्ट योर कंटेंट, अगर वो एग्री है आपकी बात से कि भाई हाँ ठीक है, तो भाई हम जो मेल करेंगे उनको तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसे रिपोर्ट करके हमारे कंटेंट को वापस मिल जाएगा। इफ द रिपोर्ट कंटेंट एज वी विल पुट योर पोस्ट बैक ऑन द इंस्टाग्राम, हम अगर रिपोर्ट कॉन्टेक्ट करता है हमसे, हमें बताता है कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में आपका पोस्ट वापस देंगे अंटिल देन नो वन एस कैन सी, जब तक आपका कंटेंट कोई भी नहीं देख पाएगा। वैभव जी ने किया है, कॉपी नंबर है, ईमेल अब जाकर कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ईमेल आ जाएगा, ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा सा, ईमेल खोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। ईमेल खोलने के बाद आपको वहां पर नेम मेंशन करना है आपका और स्क्रीनशॉट डाल देना है, जो जो स्क्रीनशॉट आपके पास है रिमूव कंटेंट के, और उसके बाद और आपके पास रिपोर्ट नंबर भी है, तो रिपोर्ट नंबर भी आप क्या करना कॉपी कर लेना यहाँ से, ईमेल में आप जा नहीं रहा बंदा, जब चले जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। वहां पर आपको दिखाया जाएगा ये होने के बाद सबमिट है, फिल इन दिस फॉर्म इफ यू थिंक वी शुड नॉट हैव रिमूव योर कंटेंट, अगर आपको लगता है वो भी बात नहीं कर रहा, कुछ ध्यान नहीं दे रहा या उसने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, तो आप अपने तरफ से खुद से अपील कर सकते हैं, तो एक बार अपील भी करना है। इंस्टाग्राम कॉपीराइट अपील फॉर्म आई अंडरस्टैंड एंड विश टू कंटिन्यू, पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ लीजिए, यूज दिस फॉर्म इफ समवन यू पोस्टेड वाज रिमूव्ड ड्यू टू ए कॉपीराइट एंड यू ब्लू डेटा कंटेंट शुड नॉट हैव बीन रिमूव्ड, रिमूव नहीं होना चाहिए था, जो पर्सन है उससे भी हमने कंप्लेंट किया, फिर भी हमारा सॉल्व नहीं हो पाया, तो उसके कारण हमें फिर भी हमारा अकाउंट अच्छा अच्छा है ये, तो उसके लिए आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है, आपको अपना नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, प्लीज मेक श्योर डेट यू प्रोवाइड द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, फेल टू प्रोवाइड डिलीट द प्रोसेस ऑफ योर अपील, आपका नाम, आपका एड्रेस, योर इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम रिपोर्ट कंटेंट एज इश्यू योर लिस्ट कैन बी ए ईमेल यू रिसीव व्हेन यू कांटेक्ट बॉस रिमोट, रिपोर्ट नंबर पेस्ट, ये मैंने रिपोर्ट नंबर डाल दिया, रिपोर्ट नंबर डालना सही है, ठीक है। काय में डाला था मैंने, इसमें फोटो में डाला था, वीडियोस में डाला था, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप यहाँ पर, थोड़ा सा लिख दीजिए और जो स्क्रीनशॉट है उसे भी यहाँ पर पेस्ट करके, माय कंटेंट वाज रिव्यूड ड्यू टू द रिपोर्ट ऑफ कॉफी इंप्रूवमेंट एंड आई ब्लू दैट दिस कंटेंट शुड नॉट हैव बीन रिमूव्ड करके, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो आपने टेक्स फॉर्म जब भरा था, जब भी आपने पैन डिटेल फुल अप किया था, आपको पता ना पे आउट के लिए याद तो होगा, ठीक है, सही नाम डाल देना और उसके बाद इसे सेंड कर देना, उनका सेंड हो जाएगा और आप बाकी टाइम फिर आकर चेक करोगे तो आपका अकाउंट पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। जो मैंने फॉर्म बताया उसे जरूर फिलअप करना, पहले उनसे बात कर लीजिए, फिर आप चेक करेंगे ना आपका रिमूव कंटेंट आ जाएगा, मैंने सेंड नहीं किया क्योंकि जिसका अकाउंट है वो सेंड करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, फिर उसके बाद आप चेक करोगे आपका अकाउंट नॉर्मल हो जाएगा, 4 लाख फॉलोअर्स है और इनके पे मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है अकाउंट्स में, वैसे भी इतना ज्यादा रुकता नहीं है आपका अकाउंट, ये देखिए मोटरोला का नया आया,
बंदा अनबॉक्सिंग करके वीडियोस बना रहा है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ठीक है ठीक है, अब आपको आपको समझ समझ में में आ आ गया, गया तो तो ऐसे ऐसे कर कर देते देते हैं हैं ऐसे ऐसे बार बार वीडियो वीडियो बनाना, बनाना, एक एक लाइक लाइक जरूर जरूर कर कर दीजिए, दीजिए, शेयर शेयर करना करना सब्सक्राइब सब्सक्राइब चैनल चैनल है, है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं है है इसके इसके प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे पे बनाते बनाते रहते रहते हो।